मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड वीडियो, रोल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस अप्रोच। रोल्स थ्योरम के प्रूफ को दो प्रकार से लिखते हैं। एक प्रकार ये है जो स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन इस तरीके से वही प्रूफ लिख पाएंगे जिन्होंने बाउंडेडनेस थ्योरम पढ़ रखा हो, मोस्टेस्ट थ्योरम पढ़ रखा हो, साइन ऑफ डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। और जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है वो फिर रोल्स थ्योरम का प्रूफ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पहले वीडियो में रोल्स थ्योरम का प्रूफ इजी अप्रोच में लिखवाया गया है, वो मैक्सिमा मिनिमा अप्रोच है, वही ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी उसको कहते हैं। तो अब जिन्हें ये समझ में आएगा उनके लिए, समझ में उनको आएगा जिनके सिलेबस में रोल्स थ्योरम के साथ साथ बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस थ्योरम, साइन ऑफ डेरिवेटिव ये सब हो, ठीक ना। अब हो सकता है कि ये सारी चीज़ें किसी और क्लास में हो और रोल्स थ्योरम बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, तो ये प्रूफ उसके लिए नहीं है। रिजल्ट्स टू बी यूज्ड, एक तो बाउंडेडनेस थ्योरम, क्या है ये थ्योरम? इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसके लिए डिटेल देखने का मन करे तो वीडियो नंबर 13 कंटिन्यूटी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। दूसरा है मोस्टेस थ्योरम, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट अटेन्स इट्स इन्फिमम एंड सुप्रीमम एट लीस्ट वंस इन ए बी। इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल में कम से कम एक्स का एक वैल्यू ऐसा होगा जिस पर फंक्शन अपने इन्फिमम के बराबर हो जाएगा, और कम से कम एक वैल्यू एक्स का इसमें ऐसा होगा जिस पर फंक्शन अपने सुप्रीमम के बराबर हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट पर इन्फिमम के बराबर, एक पॉइंट पर सुप्रीमम के बराबर हो जाएगा। इसके प्रूफ को अगर देखने का मन करे सी वीडियो नंबर 13 ऑफ द प्लेलिस्ट कंटिन्यूटी। ये दोनों एक ही वीडियो में है, 13 में। साइन ऑफ डेरिवेटिव लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी एग्जिस्ट। एफ डैश सी एग्जिस्ट करने का मतलब पॉइंट सी पर टेंजेंट खींचा जा सके, वेयर सी इज ए नंबर बिटवीन ए एंड बी। अब दो केसेस हैं इसमें। नंबर वन, इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स बड़ा होगा एफ ऑफ सी से उन सभी एक्स के लिए जो इस इंटरवल में सी सी प्लस डेल्टा में हो, सी सी प्लस डेल्टा में हो, और एफ ऑफ एक्स छोटा होगा एफ ऑफ सी से जबकि एक्स सी माइनस डेल्टा सी में हो। तो अगर इसको आप नहीं भी पढ़े हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ये बहुत ईजी है। एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो माने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज पॉजिटिव मीन्स सी पर जो टेंजेंट है उसका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है ना। तो सी पर जो टेंजेंट है उसका इंक्लिनेशन ओ एक्स के साथ एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, इसका मतलब टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा ऐसे, इसीलिए हमने इसको ऐसे बना रखा है ना, तो ऐसे टेंजेंट खिंचाएगा। ऐसी स्थिति में आप खुद ही सोच लो, जरा देखो इसको सी प्लस डेल्टा समझो, इसको सी माइनस डेल्टा, तो सी सी प्लस डेल्टा वाले रेंज में जो एफ ऑफ एक्स आप खींचोगे वो एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। सी सी प्लस डेल्टा में देखो, सी सी प्लस डेल्टा में जो एफ ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ सी से बड़ा होगा, और यहाँ सी माइनस डेल्टा सी इसको ले लो अगर इस लेफ्ट हाफ को, तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स खींचोगे वो एफ ऑफ सी से छोटा होगा। ये देखो, तो ये रटने की चीज़ नहीं, ये ज्योमेट्रिकली समझने की चीज़ है। इसी प्रकार से दूसरा केस बनता है यदि डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज नेगेटिव मीन्स सी पर खींचा गया टेंजेंट ओ एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये ऐसा, अब यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे टेंजेंट खिंचाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल माने अधिक कोण बनाएगा, अधिक कोण के लिए टेन नेगेटिव होता है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, सी और सी प्लस डेल्टा के बीच में एफ एक्स खींचोगे तो वो एफ ऑफ सी से छोटा होगा, सी सी प्लस डेल्टा में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से छोटा होगा, और सी माइनस डेल्टा सी में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। तो ये तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन अब इसके प्रूफ को समझने के लिए आपको सब वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब आइए हम रोल्स थ्योरम का प्रूफ बाउंडेडनेस अप्रोच से लिखें, थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा, लेकिन इसे समझना चाहेंगे तो वो लोग भी समझ सकते हैं जिनके सिलेबस में ये थ्योरम्स नहीं हैं, जिन्होंने थ्योरम्स के प्रूफ को नहीं पढ़ रखा है, समझ में आएगा। एक बार मन बना लीजिए कि हम समझ के ही रहेंगे, बस इतनी सी बात है। तो लिखिए प्रूफ,
ऑफ रोल्स थ्योरम. बाउंडेडनेस अप्रोच. यस, तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा ही था. क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स ए और बी पे फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हैं. चूंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए बाई बाउंडेडनेस थ्योरम ये बाउंडेड भी होगा, और बाई मोस्टेस्ट थ्योरम इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम एट लीस्ट वंस इन ए बी. यही सब हम लिखने जा रहे हैं. Since f of x is continuous in closed interval AB, therefore it is bounded. It is bounded in closed interval AB, and it attains प्राप्त करता है, माने बराबर हो जाता है. It attains इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम एट लीस्ट. इसी में अच्छा चलो ठीक, एट लीस्ट वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अब इन्फिमम सुप्रीमम मानिए, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम be the supremum and infimum of f of x in closed interval AB, then there exist let c and d be two values of x या two points इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू स्मॉल एम एंड एफ ऑफ डी इक्वल टू कैपिटल एम. ये जो आपने लिखा हुआ ना, इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम एट लीस्ट वंस इन ए बी, माने ए बी में कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शन अपने इन्फिमम के बराबर हो जाता है, कम से कम एक पॉइंट पर अपने सुप्रीमम के बराबर हो जाता है. हमने मान लिया कि पॉइंट सी पर वो अपने इन्फिमम के बराबर हो जाता है, पॉइंट डी पर वो अपने सुप्रीमम के बराबर हो जाता है. इसी को बोलते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स इन्फिमम एट सी, फंक्शन अटेन्स इट्स सुप्रीमम एट डी. ऐसा. अब केसेस बनेंगे इसमें. केस फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखें, व्हेन इन्फिमम इक्वल टू सुप्रीमम. ऐसा हो सकता है ना, तो सुप्रीमम इन्फिमम दोनों बराबर कहाँ आते हैं, सिंगलेटन सेट पे. इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनल वैल्यूज हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज कहाँ से लेंगे, यहाँ से, जितनी वैल्यूज उतना ही एफ ऑफ एक्स, इसी को हम फंक्शनल वैल्यू बोल रहे हैं. तो जितने भी फंक्शनल वैल्यूज हैं वो सब के सब एक ही मान के बराबर आएंगे, तभी तो सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज विल बी सिंगलेटन सेट, तभी तो उस सेट का इन्फिमम सुप्रीमम बराबर होगा. फंक्शनल वैल्यूज का सेट सिंगलेटन सेट है, इसका मतलब सारी फंक्शनल वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो है. हो गया प्रूफ. इसको लिखेंगे ऐसे हम, इन दिस केस f of x equal to small m equal to capital M for all x belonging to closed interval AB, and so f dash x equal to 0 for all x belonging to closed interval AB. यही प्रूफ करना है ना कि closed interval AB में कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे पहला डेरिवेटिव 0 हो. हम तो कह रहे हैं कि सारे पॉइंट्स पे 0 है, तो हो गया. केस सेकेंड, व्हेन एम नॉट इक्वल टू एम. उसी हिस्से का प्रूफ थोड़ा सा भारी होगा. केस सेकेंड,
when m not equal to capital M. ऐसा इस केस में देखो रोल्स का तीसरा गिवन कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं इन दोनों में कम से कम एक कोई ऐसा है जो इनके बराबर नहीं है. अब ये तो आपस में खुद ही बराबर है ना. इनमें से कम एक ऐसा है जो इनसे डिस्टिंक्ट है. उल्टी बात सोचिए, मान लीजिए कि ना ये इनसे डिस्टिंक्ट है ना ये इनसे डिस्टिंक्ट है, माने ये भी इनके बराबर है ये भी इनके बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे. और चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है ऐसा केस हम लेके चल रहे हैं, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स M एंड कैपिटल M must be different from F of A equals to F of B. अब फिर इसमें दो केस बनेगा तो अब केस न लिख के वैसे नंबरिंग कर दे रहा हूँ. मान लीजिए कैपिटल M ऐसा है या स्मॉल M पहले मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो. लेट स्मॉल m बी डिफरेंट फ्रॉम f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b एंड f ऑफ c इक्वल टू स्मॉल m. हम लोग लिए याद रखना पड़ेगा, अभी से हम सजग हो जाएं. f ऑफ c इक्वल टू स्मॉल m, f ऑफ d इक्वल टू कैपिटल M लिए थे. अगर ऐसा न लिए हो तो ऐसा ही कर दिए, क्योंकि इसी को मान के हम आगे बढ़ेंगे. अब हम अचानक भूल गए कि हम वहाँ पे क्या लिखे थे, तो अब इसी को मान के हम आगे चल रहे हैं. अब उसी को वहाँ देख लेना भाई. ठीक. एंड स्मॉल m इक्वल टू f ऑफ c फॉर सम c बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ab. क्योंकि यही था ना कि क्लोज्ड इंटरवल ab के किसी पॉइंट पर f ऑफ x अपने इन्फिमम के बराबर हो जाता है. अभी हमें यह दिखाना है कि यह सी ना तो ए के बराबर हो सकता है ना तो बी के बराबर हो सकता है. नाउ एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. यही तो आपने कहा है कि M न तो F ऑफ A के बराबर है न तो F ऑफ B के बराबर है. मतलब दोनों जब बराबर ही है तो कह लीजिए M इनके बराबर नहीं है. M इनके बराबर नहीं है माने F ऑफ C इनके बराबर नहीं है. सो दीज इंप्लाई दैट C नॉट इक्वल टू A, C नॉट इक्वल टू B. दीज इंप्लाई दैट A इज लेस देन C इज लेस देन B. भाई C है तो इसी का नंबर, A के बराबर भी नहीं, B के बराबर नहीं, बीच का नंबर होगा. तो रोल्स थ्योरम याद करें, उसमें लिखा देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो. टू प्रूव दैट एफ डैस सी इक्वल्स टू जीरो इफ एफ डैस सी ग्रेटर देन जीरो देन. अब तुरंत छोटा सा एक फिगर बना लीजिए. एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो माने सी पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
माने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज पॉजिटिव माने सी पर टेंजेंट कैसा होगा, है ना, ऐसा होगा। ये हमने कर्व का हिस्सा खींचा है, टेंजेंट खींचोगे तो ही तो टेंजेंट खींचाएगा भैया, ऐसा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सी है तो इधर के पॉइंट पर ये सी प्लस डेल्टा है और ये सी माइनस डेल्टा है, तो सोचो इस हिस्से में जो एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। देन देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी सी प्लस डेल्टा इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी किसको लिए हैं, स्मॉल एम को, सॉरी ये लेस देन करना पड़ेगा, इधर वाले में आना पड़ेगा, इधर वाले में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी, यानी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी, समझ रहे हैं ना, इस क्षेत्र में जो भी एफ एक्स लोगे इस एफ ऑफ सी से छोटा आएगा, कम आएगा ना, उसकी हाइट एल्टीट्यूड वहाँ पे कम होगी। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि एम क्या चीज़ है, लोअर बाउंड है ना। अब लोअर बाउंड सबसे छोटा एलिमेंट होता है सेट का, लोअर बाउंड से छोटा कोई नहीं हो सकता कोई एलिमेंट, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज का लोअर बाउंड है ना, तो कोई भी फंक्शनल वैल्यू इससे छोटी नहीं होगी, लोअर बाउंड के बाईं तरफ माने छोटी कोई संख्या नहीं होगी और अपर बाउंड के दाहिने कोई नहीं होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। तो ऐसा लिखने के बाद लिखें विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो हो यह संभव नहीं है। फिर इसी तरह से इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अब स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव होने का मतलब फिर यहाँ फिगर दूसरा बनाइए, स्लोप निगेटिव होने का मतलब ग्राफ ऐसे गिर रहा है ना, ये सी है तो यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ऐसा टेंजेंट खिंचाएगा, ये अधिक कोण बनाएगा ओ एक्स के साथ, तो इसका इंक्लिनेशन निगेटिव अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर उसका स्लोप टेन उसका निकालोगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो इधर सी प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा, अब की बार इस हिस्से में जो भी तुम x लोगे उस पर एफ एक्स एफ सी से कम आएगा, सच दैट f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू उधर ना c कामा c प्लस डेल्टा, दैट इज f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c माने f ऑफ c माने f ऑफ c कोई तो आप स्मॉल m लिए हो ना, ये इज लेस देन दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी कामा सी प्लस डेल्टा। ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इन्फिमम सुप्रीमम है ना, तो ये सब जो हिस्से हैं जो इन हिस्सों की तुम बात कर रहे हो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ही तो पार्ट है भाई, ये ए हो गया, ये बी यहाँ कहीं बना दीजिए, ये बी हो गया, ये लो, तो इसी इंटरवल की तो बातचीत सारी हो रही है। तो कोई भी फंक्शनल वैल्यू इन्फिमम से कम नहीं हो सकता है, विच इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। तो आपने ये बता दिया कि ना तो एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल है ना तो एफ डैश सी लेस देन जीरो पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो ये था नंबर वन, जब आपने माना था कि स्मॉल एम इज डिफरेंट फ्रॉम, अब कैपिटल एम को डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मान के लिखिए प्रूफ, इतना ही बड़ा फिर ऐसे नंबर वन डाले थे, अब यहां नंबर टू, लेट कैपिटल एम बी डिफरेंट फ्रॉम बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड
कैपिटल एम इक्वल टू एफ ऑफ डी फॉर सम डी बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये इसके बता चुका हूँ ना, ये ऐसा कर देना, सी पर इन्फिमम के बराबर, डी पर सुप्रीमम के बराबर, यदि शुरू में हमने इसका उल्टा लिखा हो तो उसको ऐसा कर देना, क्योंकि अब इसी पे बेस्ड हम काम कर रहे हैं। आपने ये मान लिया कि कैपिटल एम सुप्रीमम इनके बराबर नहीं है और डी पॉइंट पर फंक्शन अपने सुप्रीमम के बराबर है। नाउ एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए implies that D not equal to A and F of D not equal to F of B. F of D मने capital M implies that D not equal to B. These imply that D is a number between A and B. A less than D less than B. अब to prove that F dash D equal to 0. To prove that f dash d equals to 0. If f dash d greater than 0, then there exists delta greater than 0 such that, वही सब बातें फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव डी पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इस तरीके से होगा वहां पे, इस डी पर ऐसा, तभी तो टेंजेंट खींचोगे तो ये इसके साथ एक्यूट एंगल बनाएगा और उसका टेन पॉजिटिव होगा। तो इधर देखें आप, ये है डी प्लस डेल्टा और ये है डी माइनस डेल्टा, ये सब क्लोज इंटरवल ए बी के बीच की बात हो रही है। तो इस क्षेत्र में, इसमें जो f ऑफ x होगा f ऑफ d से बड़ा होगा, सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ d फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल d कामा d प्लस डेल्टा, दैट इज f ऑफ x ग्रेटर देन ये कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d कामा d प्लस डेल्टा। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का ही पार्ट है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये सुप्रीमम है, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के किसी भी हिस्से में वो सुप्रीमम होगा और कोई भी फंक्शनल वैल्यू सुप्रीमम से बड़ी नहीं हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आप बता दीजिए एफ डैश डी लेस देन जीरो भी संभव नहीं है। If f dash d less than 0, then there exists delta greater than 0 such that फिर वही फिगर बना ले आप, अब की बार केस उलट गया है, f dash d निगेटिव है माने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निगेटिव होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, उसका टेंजेंट निगेटिव होगा d प्लस डेल्टा और इधर d माइनस डेल्टा। तो अब की बार देखो इस हिस्से में जो भी तुम पॉइंट लोगे x, उस पर जो fx आएगा वो fd से बड़ा होगा, सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ d फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल डी माइनस डेल्टा डी, दैट इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी माइनस डेल्टा डी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, शुरू में ये जरा चेक कर लेना, हो सकता है एफ ऑफ सी इक्वल टू कैपिटल एम, एफ ऑफ डी इक्वल टू स्मॉल एम लिखा हो तो उसको चेंज कर देना, क्योंकि अब सारा प्रूफ हम इसी एजम्पशन पर पूरा किया।
which is not possible. Which is not possible. Thus, f dash d greater than 0, not possible. F dash d less than 0, not possible. तो क्या हो गया ये f dash d equals to 0, ऐसा. यानी there exists a number d between a and b such that f dash d equals to 0. It completes the proof of Rolle's theorem, boundedness approach. कठिन बहुत नहीं है, दो तीन बार आप वीडियो को देखो, नोट्स बना के पढ़ो, बिल्कुल ही समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट का भी दो ही वीडियो हो पाया है, और इस वीडियो को लाइक करिए.